स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। बात करते हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है 2 राज्यों को चेतावनी कोरोना वायरस को लेकर, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे मुंबई की निर्भया की मौत। जी हां, 30 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार रेप पीड़िता ने दम तोड़ा, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे करनाल में किसानों का धरना खत्म हो चुका है, और साथ ही आपको बताएंगे तालिबानी हुकूमत की लाइव तस्वीरें, और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार नीरज का एक और सपना पूरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा जिन्हें आप जानते हैं गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में, आखिर उनका कौन सा सपना पूरा हुआ, जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 राज्यों को दी गई चेतावनी को। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई, जिस बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि केरल और महाराष्ट्र में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। महाराष्ट्र में काफी ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ बड़े शहरों में पूरी तरह से धारा 144 लगा दी है। इसका मतलब यहाँ पर 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। दूसरी तरफ गणेश उत्सव आने की वजह से काफी ज्यादा पंडालों में गर्दी देखने को मिल सकती थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने समय रहते ही जो है इस पर निर्णय ले लिया और धारा 144 लगा दी। बात करें अगर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले, तो इस समय पूरे देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल राज्य से निकल कर आ रहे हैं। दूसरी तरफ केरल में निपाह वायरस के आ जाने से काफी ज्यादा हड़बड़ी मच चुकी है लोगों के बीच में कि कहीं कोरोना की तीसरी लहर में कुछ ज्यादा नुकसान ना हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इसका एकमात्र इलाज यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लें, ताकि इस भयंकर बीमारी की चपेट से बचा जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई में सबसे ज्यादा टीकाकरण लगाने वाला देश का एकमात्र शहर बना हुआ है, जिसकी वजह से मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर के सबसे कम चांसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं निर्भया कांड के बारे में। 30 घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद आखिरकार रेप पीड़िता ने दम तोड़ा। आरोपी ने रॉड से प्राइवेट पार्ट पर किया था हमला। जी हाँ, लगातार मुंबई और उससे सटे इलाकों में, जैसे पूना में भी आपने देखा, कुछ दिनों से लगातार रेप के मामले सामने निकल कर आते रहते हैं। और इसी बीच मुंबई में साकिना का इलाके, अंधेरी के करीब जो ये इलाका है, वहां पर एक महिला के साथ रेप हुआ। उसके बाद उसे सड़क पर यूं ही छोड़ दिया गया। उसके बाद मुंबई पुलिस ने उसे जो है नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद 33 घंटे तक वो मौत से जूझती रही और आखिरकार उसने अपना दम तोड़ दिया। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में लगातार तेज मूसलाधार बारिश होने की वजह से दिल्ली रनवे पूरी तरह से जो है एक नदी की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ रनवे पर पानी भरा हुआ है। रनवे से लेकर एयरपोर्ट के गेट नंबर तक 4 तक पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। 1 इंटरनेशनल और 4 घरेलू फ्लाइट्स जो है डाइवर्ट कर दिए गए। 46 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई। जी हाँ दोस्तों, 46 साल में अभी तक दिल्ली में इतनी तेज मूसलाधार बारिश नहीं हुई। 1000 mm से बारिश हो चुकी है अभी तक दिल्ली में देर रात 3 बजे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। बात करते हैं अब तालिबान को लेकर। जी हां, तालिबान ने 9/11 हमले की बरसी पर सरकार के जश्न का कार्यकाल टाला। रूस ने शामिल होने से कर दिया था इनकार। जी हां, लगातार तालिबान में इस समय जो है जश्न का माहौल है, क्योंकि 9/11 की जो है बरसी आज याद आ गई थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अमेरिका पर आतंकी संगठन अलकायदा के हमले यानी 9/11 की आज 20वीं वर्षी है। जी हाँ दोस्तों, 20 साल हो गए आज ही के दिन अमेरिका में WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो है लादेन के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें 3000 से ज़्यादा अमेरिकी मारे गए थे, और इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है। और आज जो है इसे 20 साल पूरा हो गया। अमेरिका पहुंचे कुछ शरणार्थियों में खसरा फैलने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से आने वाली उड़ान फिलहाल रोक दी है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एवं डिप्रेशन के सिफारिश पर यह फैसला लिया गया। इससे पहले अमेरिका ने बताया कि बीते 3 दिन से काबुल में अमेरिकी समेत 250 लोगों को निकाला गया है, और इनकी कतर की उड़ानों में दोहा लाया गया था, और वहां से कई लोग अमेरिका पहुंच रहे थे। इसके लिए अब वहां से यानी कि अमेरिका में आ जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। तालिबान हुकूमत और उसकी दरिंदगी के खिलाफ काबुल ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में रह रहे अफगानियों ने भी शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन जारी रखा, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबान ने कब्जा कर लिया, और बाकी देश जो है पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा का एक और सपना हुआ पूरा। गोल्डन बॉय के नाम से सोशल मीडिया पर जो है आजकल फेमस हो रहे नीरज चोपड़ा ने आज जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ, जब अपने माँ बाप को पहली बार फ्लाइट पर बैठा पाया। जी हाँ, लगातार नीरज चोपड़ा को लेकर जो है सोशल मीडिया हमेशा सुर्खियों में रहती है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो है एथलीट्स में सबसे पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक
तक लाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने, जिसकी वजह से अब उनकी काफी ज्यादा वाहवाही शुरू हो चुकी है। बात करते हैं अब अगली सबसे बड़ी खबर। सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी ने तीसरी बार समन भेजा। कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए 21 सितंबर को दिल्ली बुलाया है। लगातार राजनीति जो है गंदी लेवल पर पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं कि बंगाल के सीएम यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे पर जो है ईडी ने जो है तीसरी बार समन भेजा है और लगातार इस प्रकार की खबरें आती रहती कि ये एक बदले की राजनीति है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी जो है नारायण राणे की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये महाराष्ट्र सरकार जो है बदले की राजनीति कर रही है। लेकिन ये आखिरकार आम जनता का इसमें क्या कसूर है कि जब देश में इस समय कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा है तो ऐसे समय में लोग आपस में यानी कि दोनों ही पार्टियां जो आपस में भिड़ रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली अपडेट में कुछ नई खबरों के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आएंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल।